कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर जगदलपुर पहुंचे। खड़गे जगदलपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए सुकमा पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुकमा में आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने इस देश के लिए क्या किया है, कांग्रेस के लोगों ने देश के लिए अपनी जान दी है। इसके पूर्व रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर तीखे प्रहार किए। सीएम बघेल ने कहा कि बस्तर के आदिवासियों को रमन सिंह दुश्मन मानते थे, फर्जी मुठभेड़ करते थे, मुर्गा लड़ाई बंद करा दी गई, बच्चों की पढ़ाई बंद कर दी गई थी, बच्चों की पढ़ाई रुक गई, ये सब कुछ आपने सहा है। वो दौर भी आपने देखा जिसमें आप जो जंगलों से इमली तोड़ के लाते थे, महुआ बीन के लाते थे, लघु रूप संग्रहण करते थे, उससे आपका आपके परिवार का साल भर तक गुजारा चलता था। लेकिन रमन सिंह के राज में महुआ खरीदना बंद हो गया, 2 रुपया किलो में महुआ बिका। पहली बार जीवन में या इतिहास में आदिवासी महुआ को सड़क में फेंकने के मजबूर हुआ। इस प्रकार से सताने का काम किया रमन सिंह के राज में, और रमन सिंह तो हमेशा झूठ बोलते रहे, कहे किसानों एक एक दाना धान खरीदेंगे, 2100 रुपया क्विंटल में खरीदेंगे, 300 रुपया बोनस देंगे, आदिवासियों को जर्सी गाय देंगे, हर आदिवासी परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, 1 हाथ पावर से 5 हाथ पावर तक बिजली बिल माफ होगा। कितनी बातें कही उन्होंने, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी 2100 रुपये में आपने धान बेचा रमन सिंह के राज में? कभी 300 रुपये बोनस 5 साल तक मिला? वो कमीशन खोरी करते थे, साइकिल मारते थे उसमें कमीशन, पुस्तक कॉपी मारते थे उसमें कमीशन, और वो टिफिन मारते थे उसमें कमीशन, वो चप्पल मारते थे 1 पैर में 7 नंबर का, 1 पैर में 8 नंबर का, उसमें कमीशन, और आखिरी में मोबाइल में भी कमीशन। वो मोबाइल है किसी के पास? एक के पास मोबाइल नहीं मिलेगा। 100 करोड़ रुपया उसमें फूंक दिया कमीशन के चक्कर में, लोगों को मोबाइल मिला नहीं। अरे टावर ही नहीं सुकमा जिले में, तो मोबाइल का क्या काम? पहले हम लोग बोलते थे पहले टावर को लगा लो फिर मोबाइल देना, ना मोबाइल मिला ना टावर। ये रमन सिंह का राज था। उनके शासन काल में आपने सब कुछ भोगा है, देखा है। ये सुकमा आने के लिए हम लोग 10 बार सोचते थे, जब कभी मीटिंग होती थी, कार्यकर्ता सम्मेलन होता था, कभी उद्घाटन शिलान्यास में आना होता था, एक बार दंतेवाड़ा तरफ से आते थे और इधर झीरम घाटी की तरफ से हम लोग निकलते थे, कभी इधर से आ गए फिर इस रास्ते से जाते थे, जिस रास्ते से आते थे उस रास्ते से वापस नहीं होते थे, ये दौर था। लेकिन आज झीरम घाटी में जहां हमारे नेताओं की शहादत हुई, आज 10 बजे 12 बजे रात को भी आप आसानी से चल सकते, गांव में सड़कें बनी, बिजली भी लगा, कैंप भी लगा, राशन की दुकानें खुली, स्कूल जो 13 साल से बंद था जगरगुंडा का उसको फिर से हाई स्कूल को शुरुआत की, 300 स्कूल हमने शुरुआत की, ताकि हमारे गरीब आदिवासियों के बच्चे पढ़ लिख सके, शिक्षा की व्यवस्था की। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला, यहां लाइब्रेरी खोला, और मुझे खुशी है इस साल 10वीं के बोर्ड में यहां का बच्चा टॉप किया, सुकमा का बच्चा टॉप किया। कितना परिवर्तन आया इस 5 सालों में। हमारी सरकार आई तो सबसे पहले राहुल जी ने आपसे वादा किया था, हमारी सरकार बनाएंगे, किसानों का ऋण माफी करेंगे, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, 35 किलो चावल हर परिवार को मिलेगा।
बिजली बिल आधा मिलेगा, तेंदू पत्ता 2500 के जगह 4000 में खरीदा जाएगा, और सब वादा हमने पूरा किया। आदिवासियों को जमीन हम दिलाने का काम किए, लोहानीगुड़ा की जमीन वापस किए जो ले लिए थे, और उसके साथ साथ सामुदायिक पट्टा, वन अधिकार पट्टा जो यूपीए सरकार के समय में सोनिया जी और मनमोहन सिंह की सरकार में जो बना, उस समय खड़गे साहब भी मंत्री थे, उन्होंने जो कानून पास किया 13 दिसंबर 2005 के पहले जिनका कब्जा रहा, उस सब को पट्टा देने का काम, मालिक जमीन का मालिक बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जल जंगल जमीन में आपका अधिकार, इतने लघु उपज है उसे समर्थन मूल्य घोषित किया, उसे खरीदने की व्यवस्था की, और अब 4000 प्रति माना बोरा के तेंदू पत्ता देश में कहीं बिकता है। आप तो उड़ीसा से लगे हुए हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आपसे से लगा हुआ है, वहां कितनी कीमत है? वहां 4000 में बिकता है क्या? लेकिन छत्तीसगढ़ में मिलता है। और अब राहुल जी ने और बढ़ के उस दिन घोषणा की, हमारी सरकार फिर से बनाइए, जो तेंदू पत्ता संग्रहण करते हैं वो 4000 प्रति मानक बोरे के दर से जो पैसा मिलेगा तो मिलेगा ही, हर परिवार को भी 4000 हर साल देंगे, ये राहुल जी ने घोषणा की। उन्होंने ये भी घोषणा की कि हमारी सरकार फिर बनाइए और फिर से किसानों का कर्ज माफ होगा। भूपेंद्र जी तो बहुत यशस्वी अपना काम किया, और आप लोगों के जो डिमांड उन्होंने 5 साल पहले जो दिए थे, जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने का काम उन्होंने किया, इसीलिए कांग्रेस पार्टी का भी नाम बहुत ऊंचा हुआ और कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर अब मजबूत बनी है। इसीलिए मैं सभी यहाँ बैठे हुए भाइयों को, बहनों को, किसानों को, नौजवानों को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ और बगैर की बुद्धि आप मजबूत के साथ जो 5 साल सपोर्ट करते हुए आए, इसलिए और एक बार आपको मैं धन्यवाद देता हूं। इस मीटिंग में आए हुए नासिर हुसैन जी, सप्तगिरी उल्का जी, श्रीवेलु प्रसाद जी, श्रीमती महेश्वरी बघेल जी, जिला अध्यक्ष, मीडिया के मेरे सारे दोस्तों, और सुकमा विधानसभा और छत्तीसगढ़ के सारे मेरे भाइयों और बहनों, और इस मंच पर बैठे हुए सारे मेरे साथी, मैं इस चुनावी भाषण में सिर्फ आपको वोट मांगने के लिए ही नहीं आया, मैं यहाँ पर जो आया हूँ और आपसे विनती करूंगा, एक तरफ तो हमको चुनाव जीतना है, लेकिन सबसे ज्यादा समाज को बचाना है और संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आज लोग बहुत से बात करते हैं, महात्मा गांधी जी ने अगर आजादी दिलाई नहीं होती, क्या वो नहीं लड़ते? नेहरू जी नहीं लड़ते, वल्लभ भाई पटेल नहीं लड़ते,
और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते तो हम लोगों को एक वही रहना पड़ता था हमारे जंगलों में। कोई स्कूल नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई दुकानदारी करने के लिए पैसे नहीं थे, बैंक्स नहीं थे। ये सब किसने किया? कांग्रेस ने किया। और बाकी के लोग तो ऐसा ही आते हवा में। मुझे बताओ, बीजेपी ने इस देश के लिए क्या किया? बार बार भाषण करते हैं और टीका करते हैं कांग्रेस ने क्या किया, 60 साल में क्या किया। कभी कभी मोदी साहब ये भी भूल जाते हैं कि उनकी हुकूमत कितने दिन थी, कांग्रेस की हुकूमत कितने दिन थी, या दूसरे पार्टियों का राज भी कितने दिन था, ये भूलते हैं। और हम हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। 70 साल में तो हमने इस देश को बनाया, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बन गए, पब्लिक सेक्टर्स बन गए, लाखों लोगों को काम मिला, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खोले गए। क्या जो स्कूल इस छत्तीसगढ़ में है क्या वो सभी मोदी जी ने बनाया? आप बोलिए। नहीं, ये ऐसा बात करते हैं कि देश को आजादी 2014 में ही मिली, इससे पहले आजादी नहीं थी, इससे पहले स्कूल नहीं थे। ये सब हमेशा जो कहते हैं मोदी जी, शाह जी और उनके चेले, अब उठे। मैं देखा हाथ जरा जोर में फोटो आया है उनका, तुम्हारे प्रेडिसेसर का, यानी पहले वाले चीफ मिनिस्टर का। अब तक मैं पहले तो 5 साल में कहीं नहीं देखा था, अब थोड़ा पेपर में आ रहा है, उनकी फोटो भी छप रही। तो आप लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया। आपको आप समझते हैं वोट मांगने का हक है। अरे हमने देश को कुछ किया है इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के नागरिकों की भला की है इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के लोग आजादी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लोग सूली पे चढ़े इसलिए हम मांग रहे हैं। इस देश के लोग तिरंगे झंडे के नीचे गांधी जी के उसूलों के साथ, नेहरू जी के उसूलों के साथ हमने कदम पे कदम डालकर इस देश को आजादी दिलाई।